हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट वो सारा कंप्लीट कर दिया था और आपको पता चल गया कि अभी एडमिशन और रिटायरमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको सारे स्टेप वो अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। आपके एक्सरसाइज में पेज नंबर 266 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वो क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलो, सो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। रोहित, मोहित एंड विरार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सो तीन पार्टनर्स है, रोहित, मोहित एंड विरार, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 4:3:2 का गिवन है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। लायबिलिटी में देखो तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तीनों के गिवन है। रिजर्व फंड दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, पार्टनर्स लोन भी दे रखे हैं और पार्टनर्स लोन में रोहित और मोहित का है। देन क्रेडिटर्स दे रखा है और एसेट्स में गुडविल दे रखा है। फिर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बीडीआर, बैंक बैलेंस और एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स दे रखा है। रोहित रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2017। ना इंपोर्टेंट चीज है, रोहित रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। चलो अच्छे से इसको नोटिस करोगे। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट इज एज अंडर, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹1,80,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड टू बाय ₹15,000, अगेन रिवैल्यूएशन का पार्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। फिर आपका 5,000 नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ₹1,80,000। सो गुडविल का वैल्यूएशन दे रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, बराबर। फिर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहित एंड विराट इज 2:1। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है। और जब दोनों दे रखे हैं तो बोलो यहाँ पे तो गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, और गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है ना। चलो फिर बोला है ₹20,000 आर टू बी पे टू रोहित एंड बैलेंस विल बी कैप्ट एज अ लोन। यानी कि रोहित का जितना आप हिसाब बनाते हो लास्ट में, जितना उसका टोटल का अमाउंट बनता है उसमें से आपको क्या करना है, 20,000 का पे कर देना है और बाकी का उसका लोन अकाउंट के रूप में रखना बैलेंस है, ठीक है ना। चलो फिर बोला है आपको प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखो रिटायरमेंट वाले टॉपिक में आपको क्या करना है, देखो 6 स्टेप रहते आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। देन थर्ड स्टेप पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सरप्लस करना है, ठीक है ना, और अगर कोई गुडविल वगैरह दे रखा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। देन फोर्थ स्टेप पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है। देन फिफ्थ स्टेप पे आपको बैलेंस शीट को एज पॉसिबल है वो कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद में स्टेप नंबर जो आपका 6 रहेगा, ठीक है ना, स्टेप नंबर जो 6 रहेगा आपका, उस पर आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल का यहाँ एडजस्टमेंट करना है। और उसके बाद में लास्ट 7 स्टेप रहेगा, 7 स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। चलो तो ये 7 स्टेप है, सॉरी 6 नहीं, 7 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे फॉर्मेट है वो बना चुके हैं ताकि हमारा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मेट बना दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रखा है, ठीक है ना। और सेम टू सेम लेजर बनेंगे जो एडमिशन में बनेंगे, तो उनका प्रोसीजर भी सेम ही है, बस थोड़ा सा माइनस है आपको चेंज करना है। तो कहां कहां चेंज है वो आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। चलो सो सबसे पहले मैं क्या करूं, फॉर्मेट बना दिया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, ओपनिंग बैलेंसेज लिखो। तो ओपनिंग बैलेंसेज मुझे कैपिटल अकाउंट के और कैश बैंक अकाउंट के मिलेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस रोहित का 1,60,000 दे रखा है, तो मैं इस साइड लिख देता हूं, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और रोहित में 1,60,000 है और 96,000 आपका मोहित का है और विराट का 80,000 है, बराबर। इसी तरीके से एसेट्स में बैंक का बैलेंस दे रखा है 63,000। आप चाहो तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिखो वो बेटर रहेगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी का लेजर बनाना चाहिए। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। सो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ये 63,000,
बराबर है। चलो अब एक काम करना, बैलेंस लिखो, उसके साथ में आप क्या करना, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट का नाम भी लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के बैलेंस रहेंगे, तो बोलो अभी एक पार्टनर तो छोड़ के जा रहा है, तो उनके बैलेंस कौन से पार्टनर के रहेंगे, दो पार्टनर के रहेंगे, कौन कौन से, मोहित और विराट, क्योंकि रोहित तो छोड़ के जाएगा, वो पार्टनर बनेगा ही नहीं अभी, तो यहां पे आप लिखोगे मोहित एंड विराट, क्लियर है, ये दो ही पार्टनर रहेंगे आपके, कितना अमाउंट है वो तो बाद में पता चलेगा अपने को, ठीक हो ना, सिर्फ नाम लिखा, ठीक है ना, इसका स्पेस यहां पे अपने को अलॉट कर दिया, अब बाकी का आगे का क्वेश्चन करते हैं। सो स्टेप नंबर टू भी हो गया, अब स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो देखिए आपको लायबिलिटी साइड, सॉरी पहले असेट्स में देखते हैं, क्या गुडविल दे रखा है बांटने के लिए, हाँ सर गुडविल दे रखा है 36,000 का देख रहा है, तो यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रॉस में ले जाते हैं, असेट्स में दिख रहा है, तो आपको ये डेबिट साइड में लेके जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो अगर आपको स्टेप सारे क्लियर नहीं है, तो पहले एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से कर लो, देन उसके बाद में आप क्या करो, ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करो, ठीक है ना, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अवेलेबल करवा दिए। चलो सो गुडविल, और गुडविल टोटल कितना है 36,000। अब रिमेम्बर यहाँ पे एडमिशन होता था दो ही पार्टनर में बटता था, लेकिन यहाँ पे तीनों में बटेगा, बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स में बटेगा, तो तीनों पार्टनर्स में बटेगा 4:3:2 के रेशियो में, तो 4:3:2 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, अमाउंट है आपका 36,000, सो 36,000 ये टोटल हो गया आपका 9 × 4, तो एक का आ गया 16,000, ठीक है, ये रोहित का आ गया 16,000 बराबर, और फिर मोहित का 3 है, तो 3 के हिसाब से इसका होता है 12,000, और फिर विराट का 2 है, तो विराट का 8,000 बनता है, बराबर है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। चलो अब बात करते हैं, तो अब है दूसरा, क्या आपको और कुछ दे रखा है सर्स में, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स वगैरह कुछ तो दे रखा है ना, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो यहां पर लिखता हूं टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, कितना है, तो ये है आपका टोटल 4,500, तो 4,500 डिवाइड बाय ओल्ड रेशियो है, 9 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2,000 एडवर्टीजमेंट का आ गया रोहित का, बराबर, और 3 से करेंगे तो 1,500 आ गया मोहित का, और अगर 2 से करेंगे तो विराट का आ गया 1,000, क्लियर है, इस तरीके से हमने को ये काम करना है। चलो तो असेट्स वाला सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब बचा क्या, अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में, और देखते हैं कोई रिजर्व एंड सरप्लस है जो बांटने लायक है पार्टनर्स में, तो देखें सबसे पहले आपको रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अब वो इस साइड आ जाएगा, तो यहां पर लिखो बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड, अब रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है 45,000, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे सभी पार्टनर्स में 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो यही अमाउंट आएगा, बस एक एक जीरो और लग जाएगा, तो देखो 20,000, फिर आपका 15,000 और आपका 10,000, बराबर, डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो आप, सेम अमाउंट आएगा, क्लियर। चलो उसके बाद में हम बात करें तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको दे रखा है ना, कंपेंसेशन रिजर्व में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, तो अगेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बोलो या फंड बोलो, ठीक है। चलो कितना है ये है आपका 13,500, तो 13,500 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 4 के हिसाब से ये रोहित का आ गया 6,000, ठीक है ना, और 3 से करेंगे तो 4,500 आ गया मोहित का, और अगर 2 से करेंगे तो 3,000 आ गया विराट का,
बराबर है, इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या और कुछ रीजन आपको दे रखा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता हो? ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। चलो सो ये हमारा स्टेप यहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो तीन स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टेप नंबर फोर की बात करते हैं, और स्टेप नंबर फोर क्या बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप कंप्लीट करो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ढूंढते हैं और उसको यहां पे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, एडजस्टमेंट में जो पॉइंट दे रखे हैं उनकी दो जगह पे इफेक्ट जाएगी, ठीक है ना। और जो आपको सीधा बैलेंस शीट में सिर्फ एक जगह पे दे रखा है तो एक जगह पे ही जाएगी उसकी इफेक्ट। चलो सो पॉइंट नंबर वन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹1,80,000। सो आज लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 1,80,000 का है ना। तो और अपने बुक में कितने का दे रखा है, 1,50,000। That means 30,000 से क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया। तो बोलो 30,000 से प्रॉफिट हो गया, क्योंकि असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, ठीक है ना, 30,000। और इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी एसेट्स में, तो यहां पे मैं लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, और पहले से ऑलरेडी मुझे बैलेंस शीट में तो 1,50,000 का दे रखा है, तो ये 1,50,000 बैलेंस शीट में लिखा, उसमें ऐड करो इंक्रीज के नाम से, 30,000 से इंक्रीज हुआ ना। चलो टोटल कितना हो गया ये, 1,80,000, क्लियर है। चलो उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो इसी तरीके से पॉइंट नंबर सेकंड को भी लिखना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹15,000। सो मशीनरी का वैल्यू है वो 15,000 से आज कम करना है, दैट मीन लॉस हो गया। लॉस हो गया तो यहां डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू मशीनरी, कितने से, 15,000 से लॉस हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगी एसेट्स में, यहां पर लिखेंगे मशीनरी, पहले से कितना मशीनरी है, पहले से है 90,000, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको माइनस करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखोगे डिक्रीज, ठीक है ना। और डिक्रीज कितना होता है, तो डिक्रीज आपका होता है, डिक्रीज आपका कितने, 15,000 से बोला ना, तो 15,000 से आपको ये लेस कर देना है, और 15,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 90,000 माइनस 15,000, तो बचा आपका ये 75,000 बचा, ठीक है ना। तो 75,000 ये बच गया है। और अब क्या करना है, अब इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर थर्ड की ओर जाना है। और पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी कैप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी कैप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। तो देखिए ऊपर आपका डेटर्स कितने के दे रखे हैं, ओरिजिनल वाले डेटर्स बिफोर डिडक्शन ऑफ बीडीआर, वो कितने दे रखे हैं आपको, 60,000। उस 60,000 का करो 10%, तो कितना होता है 6,000, कितना हो गया 6,000। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आज हमें बैड डेट रिजर्व कितना रखना है, 6,000। तो बोलो ऑलरेडी कोई बैड डेट रिजर्व आपको दे रखा है, हाँ सर दिख रहा है ना, बीडीआर 4,000 का बैलेंस शीट में गिवन है। तो क्या करेंगे, 4,000 का ऑलरेडी दे रखा है और 6,000 का हमें बोला है, तो 2,000 से और इंक्रीज कर देंगे, पहले से 4,000 का है उसमें 2,000 और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6,000 बन जाएगा। तो टू आपको बैड डेट रिजर्व को 2,000 से इंक्रीज करने की जरूरत है, और बैड डेट रिजर्व को इंक्रीज करने का मतलब लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व, और कितने से लिखना है, 2,000 से, ठीक है ना। ये 2,000 कैसे आया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो 6,000 आपने कैलकुलेट करा उसमें से 4,000 को माइनस कर दो तो मिल जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट जाएगी एसेट्स में, और एसेट्स में देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं डेटर्स, अब ऑलरेडी ओरिजिनल डेटर्स कितने थे, 60,000 के थे, ठीक है ना। और उसमें से आपको बीडीआर माइनस करना है, और बीडीआर कितना माइनस करना है, तो अब तो 6,000 का हो गया ना, 4,000 ऑलरेडी था, 2,000 से आपने और बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो ये 6,000 को आप माइनस करो तो कितना बचा, ये 54,000 बाहर बचा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर है आपका रुपीज 5000 नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को 5000 अब पे करने की जरूरत नहीं है। अगेन रिवॉल्यूशन का पॉइंट हो गया क्योंकि क्रेडिटर है वो 5000 से आपको कम करने हैं और क्रेडिटर कम करने का मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो यहां पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितने का प्रॉफिट हुआ 5000, तो ये मैंने लिख दिया 5000। इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी लायबिलिटी में क्रेडिटर में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्रेडिटर बराबर, और जो क्रेडिटर है वो कितने के दे रखे आपको बैलेंस शीट में 64000 के दिख रहे हैं, और उसमें से आपको डिक्रीज करने हैं कितने के डिक्रीज करने हैं 5000 के, ठीक है ना। सो ये 5000 बराबर, और ये 5000 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना बच जाएगा ये 59000, क्लियर है फाइन। उसके बाद में आपको गुडविल का पॉइंट दे रखा है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और फिर तो कैपिटल का पॉइंट है, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का कोई भी पॉइंट है वो बाकी अब नहीं रहा है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट करें, प्रॉफिट और लॉस फाइन कर दे। तो देखें इस साइड मुझे ज्यादा दिख रहा है 35000 हो रहा है, बोथ साइड में आ जाएगा 35000 बराबर, और ये माइनस करो 35000 में से तो कितना बचता है ये 18000 बचा, यानी कि 18000 का यहां पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये 18000 वो तीनों में बटेगा बराबर, दो में नहीं बटेगा, एडमिशन वाला हो तो सिर्फ दो में बटता है, यहां पे तीनों में बटेगा क्योंकि पार्टनर्स तो तीनों थे। तो यहां पे लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो यहां पे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी लिख दो, ठीक है ना, वो भी चलेगा। तो पहला है आपका रोहित, सेकंड है आपका मोहित, और फिर है आपका विराट बराबर। तो तीनों में 18000 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आता है ये 8000 तो आया रोहित का बराबर, और 3 से करेंगे तो मोहित का आ गया 6000, और 2 से करेंगे तो विराट का आ गया 4000, क्लियर है। तो ये 18000 तीनों में बढ़ गया और ये प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में क्रॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, या प्रॉफिट भी लिख दो, ठीक है ना, चलेगा। 8000 6000 एंड 4000, सो 8000 6000 एंड 4000, क्लियर है, चलो ये हो गया। तो स्टेप नंबर हमारा फोर भी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप नंबर फाइव क्या बोलता है, स्टेप नंबर फाइव बोलता है कि बैलेंस शीट को एज पॉसिबल क्या करो कंप्लीट करो, यानी कि जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको बैलेंस शीट से क्या करो अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज वैसे के वैसे लिख दो। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है तो देखते हैं। तो देखें अगर आप सबसे पहले असेट्स से देखते हैं तो असेट्स में गुडविल वो तो खत्म कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं, मशीनरी आ गया हमारा, स्टॉक स्टॉक नहीं आया तो यहां पे स्टॉक लिखेंगे, और स्टॉक कितने का है तो 85000 का है, तो ये मैंने लिखा 85000 का स्टॉक। उसके बाद में डेटर्स बीडीआर वो तो लिख चुके हैं अपन, बैंक का बैलेंस तो कैश बैंक आएगा इधर, ठीक है ना, कैश बैंक। अब कितना बैलेंस है वो तो लास्ट में जब अकाउंट क्लोज करेंगे तब आएगा, नाम तो लिख देते हैं। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर आएगा नहीं क्योंकि खत्म हो चुका है, चलो असेट्स का हो गया। अब लायबिलिटी में देखें तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है तो दो के होंगे, लेकिन कितने अमाउंट है वो तो बाद में पता चलेगा, जब आएगा तब लिख देंगे बराबर। फिर उसके बाद में रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कंपेंसेशन फंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और फिर आपको दे रखा है पार्टनर्स की लोन। अब देखना यहाँ पे पार्टनर्स की लोन में दो की दे रखी है, रोहित और मोहित, तो रोहित तो पार्टनर रहा नहीं अब, ठीक है ना, बैलेंस उसका रह सकता है लेकिन वो आउटसाइडर पार्टी हो जाएगा क्योंकि अब वो पार्टनर्स नहीं रहा। लेकिन मोहित का तो ऑलरेडी दे रखा है तो मोहित का है जो पार्टनर्स लोन में लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पार्टनर्स लोन, और पार्टनर्स लोन में किसका आएगा, मोहित का आएगा क्योंकि मोहित तो एक पार्टनर है। मोहित लोन, मोहित का लोन कितना है 16000, तो ये मैंने मोहित का लिख दिया यहां पे 16000, ठीक है ना। रोहित का अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे क्योंकि रोहित का कितना बैलेंस आएगा उसमें ऐड करके लिखेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट में लिख देंगे, बाद में लिखेंगे, चलो या नाम लिख दू, आने वाला तो है ही, अपने को पता ही है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं रोहित लोन, ठीक है ना, ये अलग आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं है, सेपरेट अलग से रोहित लोन आएगा। अमाउंट कितना है वो बाद में आएगा जब अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है, तब।
उसके बाद में आपको दे रखा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है ना, और भी और कोई एडजस्टमेंट है वो बाकी नहीं रहता। तो इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 6 बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे ऐसा है, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था हमने कि क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा है जैसे रोहित छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, तो रोहित छोड़ के जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो लेके जाएगा, बराबर है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट उसका जितना बनता है उसके शेयर का, वो क्या करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके जाएगा। अब देंगे कौन, तो ये क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में से जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे वो देंगे, और वो किस रेशियो में देंगे, वो गेन रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर गेन रेशियो क्या है, तो गेन रेशियो पहले पता करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, तो मैं गेन रेशियो पता करता हूं। तो देखो गेन रेशियो यहाँ पे कैसे पता करें, यहाँ पे लिखे गेन इज इक्वल टू, आपको न्यू दे रखा है, न्यू शेयर, गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस, माइनस करो आप ओल्ड शेयर, बराबर है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे न्यू शेयर भी दे रखा है एज वेल एज ओल्ड शेयर भी है, तो माइनस करके आप क्या कर सकते हो, गेन का शेयर निकाल सकते हो। तो देखें सबसे पहले मैं बात करता हूं मोहित की, तो यहाँ पे सबसे पहले मोहित, मोहित का न्यू शेयर कितना है, तो 2:1 का रेशियो दे रखा ना, तो 2/3 होगा मोहित का, बराबर। और मोहित का ओल्ड कितना था, तो 4:3:2 था ना, तो 3 वाला मोहित का है, तो 3/9, क्लियर है। और इस तरीके से विराट की अगर हम बात करें तो विराट का नया कितना है, 1/3, और ओल्ड कितना था, 2/9, बराबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें अगर तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैं शॉर्टकट लगाता हूं, थोड़े डेटा हैवी आ जाते, ठीक है ना, 18 हो गया और ये 9 हो गया और ये हो गया आपका 27, माइनस करोगे तो ये फाइनली आ गया 9/27, ठीक है ना। चलो विराट का अगर देखे तो विराट का भी ऐसे ही करते हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 27, तो ये आ गया आपका 3/27, बराबर है। तो वैसे देखा जाए तो आपका ये 9:3 बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है, 9:3, लेकिन इसका 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल करके हम लिख सकते हैं 3:1, यानी कि 3:1 आपका क्या है, गेन का रेशियो है, क्लियर है। तो ये गेन का रेशियो कैलकुलेट कर दिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल कितना शेयर बनता है उसका, ठीक है ना, इसको आप वर्किंग नोट में लिखोगे लास्ट में, तो यहां पे आप वर्किंग नोट लिखोगे और उसमें ये वर्किंग करोगे, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ कि जो टोटल फर्म की गुडविल है 1,80,000, उस 1,80,000 में उस रोहित का शेयर कितना बनता है, तो रोहित का प्रोपोर्शन कितना था, 4:9 था, तो 4:9 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 करो, बोलो कितना आया, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, ये 80,000 आता है, कितना आता है, 80,000। तो 80,000 को आप क्या करोगे, मोहित और विराट में 3:2 में क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, मैं एंट्री आपको लिख के बताता हूं ताकि इसकी लेजर पोस्टिंग करने में इजी रहे, ठीक है ना। देखो जो पार्टनर को देना है उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि जो मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री क्या बताई थी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि यहाँ पे रिटायर्ड पार्टनर कौन है, रोहित है, तो रोहित का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा 80,000 से, और डेबिट हो जाएगा मोहित और विराट का कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, क्लियर है। चलो मैं एंट्री बताता हूं आपको, देखो एंट्री हो जाएगी आपकी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू करोगे रोहित कैपिटल अकाउंट। अब रोहित के कैपिटल अकाउंट में 80,000 है वो डिपॉजिट करने, क्रेडिट करने, ठीक है ना, 80,000 को इन दोनों में 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 80,000 को 3:1 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो आता है 60,000 and 20,000, तो ये आ गया 60,000 और ये आ गया आपका 20,000,
बराबर है। जर्नल एंट्री आपको लिखनी नहीं है, ठीक है ना, आप लिखो तो वर्किंग नोट में लिख सकते हो, लेकिन अगर टाइम वेस्ट होता है तो आप मत लिखो। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में आप लिख दो, ताकि जैसे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद में आप क्या करो, डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग है वो अकाउंट में कर देना, ठीक है ना। चलो सो इसकी मैं लेजर पोस्टिंग करता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं, मोहित का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मोहित का कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मोहित का कैपिटल अकाउंट कहां है, ये रहा, यहां पे सबके दे रखे हैं, तो ये मोहित का कैपिटल अकाउंट। अच्छा डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अच्छा डेबिट साइड में लिखेंगे, अच्छा किसको लिखेंगे, क्रेडिट वाले को लिखेंगे, और वो क्या है, टू रोहित कैपिटल। तो यहां पर लिखेंगे टू रोहित कैपिटल, टू रोहित कैपिटल। कितने से लिखेंगे, देखो मोहित के बारे में बात कर रहा था तो मोहित वाले कॉलम में लिखे, अमाउंट खुद का लिखते हैं, नाम सामने वाले का लिखते हैं और अमाउंट खुद का होता है, यानी 60,000 से ये मोहित के कॉलम में आ जाएगा, बराबर है। चलो ये हो गया मोहित का, अब बात करते हैं विराट की, सेम मैनर में। तो विराट का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो विराट के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये पड़ोसी को लिखेंगे, रोहित को लिखेंगे। तो रोहित तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, तो रोहित कैपिटल। अच्छा अमाउंट तो खुद का होगा, तो 20,000 विराट के कॉलम में जाएगा, तो ये 20,000 विराट के कॉलम में आ गया। चलो इन दोनों का हो गया, अब रोहित की बारी। तो रोहित का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अच्छा किसको लिखेंगे, ये डेबिट वाले को लिखेंगे, तो दोनों का नाम आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे बाय बाय मोहित कैपिटल अकाउंट और बाय विराट कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और ये किसके कॉलम में जाएंगे, ये सब रोहित के कॉलम में जाएंगे, है ना। मोहित का 60,000 है, तो ये 60,000 से और ये 20,000 से, ठीक है ना। लिखना हो तो लिख दो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का है, ठीक है ना, और यहां पर भी आप लिख देना मोहित के कैपिटल के नीचे, ठीक है ना। चलो सो ये हो गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, और नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि कैपिटल का सेटलमेंट करो, यानी कि रोहित का क्या करो, कैपिटल का बैलेंस निकालो, और क्वेश्चन में बोला है कि उस कैपिटल के बैलेंस में से 20,000 तो आपको पे कर देना है और बाकी का उसका लोन के रूप में रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रोहित का बैलेंस पता करते हैं, है ना। तो रोहित का बैलेंस कितना होता है, तो देखो इस साइड का टोटल करें पहले, तो ये 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 और प्लस ये आपका 8,000 एंड 60,000 एंड 20,000, तो ये आ गया आपका 2,74,000। सो ये हो गया 2,74,000, बराबर। और इधर भी वही टोटल आएगा 2,74,000, उसमें से ये दोनों माइनस करो, तो एक तो है 16,000 और एक है आपका 2,000, बचा कितना 2,56,000। लेकिन 2,56,000 बैलेंस नहीं रखना, बैलेंस लोन में पूरा नहीं डालना, 20,000 तो पे कर देना है। तो पे करना है तो पहले मैं यहां पे टू कैश वाली एंट्री कर देता हूं, टू कैश बैंक, ठीक है ना। कितना पे करना है, 20,000, तो ये मैंने 20,000 पे करा। अब 20,000 की वहां पे भी जाएगी एंट्री कैश बैंक अकाउंट में, तो यहां पे लिखो बाय बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, हमने कैपिटल में से ही पे कर दी 20,000, बराबर। चलो अब इसका बैलेंस निकाले, जो भी बैलेंस होगा वो रोहित के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू रोहित लोन अकाउंट, और ये बैलेंस ही फिगर आएगा जो बचेगा वो, ठीक है ना। तो ये 2,74,000 इसमें से इन तीनों को माइनस करो तो कितना आता है, ये आ गया आपका 2,36,000, बराबर है। यानी कि रोहित के लोन का बैलेंस कितना है आज, 2,36,000। लेकिन ध्यान रखना, आपको बैलेंस शीट में, आपको अगर बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी है वो रोहित का बैलेंस 10,000 दे रखा है, तो ये 2,36,000 और प्लस वो पहले से पड़ा हुआ है 10,000 का, टोटल कितना बैलेंस हो गया, 2,46,000। तो बोलो रोहित का लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कितने से जाएगा, टोटल 2,46,000 से जाएगा, ठीक है ना। पहले का 10,000 और प्लस ये 2,36,000 का और लोन आया, तो टोटल कितना लोन हो गया, 2,46,000। तो रोहित लोन अकाउंट में यहां पे लिख देता हूं, ऑलरेडी 10,000 का था और 2,36,000 का और नया आ गया, तो बन गया आपका 2,46,000, बराबर है। चलो अब बात करते हैं हम बाकी के पार्टनर्स की, और बाकी के पार्टनर्स में क्या करते हैं हम,
इनका बैलेंस निकालते हैं। तो देखो अब मोहित का बैलेंस निकालते हैं, तो मोहित का बैलेंस निकालो फटाफट, आप भी कैलकुलेशन करो साथ साथ में। 15,000, 4,500 और 6,000, ये टोटल हो गया आपका 1,21,500। सो 1,21,500 और माइनस करो ये 12,000, 1,500 और माइनस करो 60,000, ये हुआ आपका 48,000। तो यहां बैलेंस कितना बच रहा है? 48,000, ठीक है ना। इधर लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। इधर 48,000 बचा, टोटल तो वही आएगा 1,21,500। इसी तरीके से हम विराट का भी बैलेंस निकालेंगे, और विराट का 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, फिर 10,000 और फिर 3,000 एंड प्लस 4,000, ये आया 97,000। 97,000 में से ये माइनस करो तो 8,000 माइनस 1,000 माइनस 20,000, ये आया 68,000। तो ये बचा आपका 68,000 का बैलेंस, और टोटल तो वही आएगा 97,000। तीन ये जो दो बैलेंस है, दोनों बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ले लेते हैं वहां पे लायबिलिटी में। तो 48,000 मोहित का है और 68,000 आपके विराट का है, दोनों को प्लस करो, 68,000 प्लस 48,000, 1,16,000 का बैलेंस बनता है, बराबर। चलो दो अकाउंट क्लोज ऑलरेडी है, और ये वाला भी क्लोज कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्री बाकी नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। टोटल इस साइड ज्यादा दिख रहा है 63,000, तो दोनों साइड मैंने लिखा 63 का। इधर कितना कम बढ़ रहा है? वो बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कम बढ़ रहा है? 20,000 इसमें से माइनस करो तो बचा कितना? 43,000। ये 43,000 यहां लिख दो बैलेंस शीट में, 43,000। चलो अब बैलेंस शीट को क्लोज करो, टोटल करो दोनों साइड का। पहले मैं ये लायबिलिटी का टोटल करता हूं, 1,16,000 प्लस 59,000 प्लस 16,000 और प्लस 2,46,000, ये हो गया 4,37,000। और इसका भी टोटल करो तो 18,000, 75,000 और 54,000, 85,000 और 43,000। वापस से मैं करता हूं, 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 54,000 प्लस 85,000 प्लस 43,000, ये हो गया 4,37,000। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट क्या करो आप, इसका जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप अच्छे से करोगे, ठीक है ना। और इलस्ट्रेशन में भी क्वेश्चन सिमिलर नेचर के दे रखे हैं, वो भी क्वेश्चन आप करोगे और स्टेप वाइज क्वेश्चन करोगे तो आपका कोई भी पॉइंट है वो मिस नहीं होगा, ठीक है ना। और अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ये स्टेप वो मैंने इस तरीके से अरेंज करे है, बुक में ऐसे कोई स्टेप नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे स्टेप इसीलिए बनाया है ताकि क्या होता है, कई बार जैसे प्रीमियम फोर गुडविल वाले पॉइंट में डिफिकल्टी आती है काफी सारे स्टूडेंट को, तो उस पॉइंट की वजह से उनका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे स्टेप में रहकर काम करेंगे तो सबसे इजी वाली चीजों को मैंने पहले कवर करा और उसके बाद में लास्ट में जाके मैंने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को कवर करा, ताकि आपका सिर्फ एक पॉइंट की वजह से बाकी का सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है ना। चलो तो आप क्या करो फटाफट है वो रिवाइज कर लो, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कई डाउट लग रहा है तो एक बार लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लो, फिर बिना देखे सेम क्वेश्चन को बिना देखे आप करो, फिर मैच करो। अब मैच हो जाता है उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में जो दे रखा है वो करो, और फिर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन को भी आप बिना देखे करो, देन उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो, ठीक है ना। चलो सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, इनफ है इतना आज के लिए, और फिर हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है ना। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।